सभी भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं हूं इस समय मुंबई के पाली हिल एरिया में, और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पाली हिल और बांद्रा में रहने वाले सेलिब्रिटीज़ के घर। और एक चीज़, अगर आप कभी भी मुंबई घूमने आइए तो बहुत सावधान होकर आइए, क्योंकि मुंबई शहर सपनों का शहर होने के साथ साथ लुटेरों का भी शहर है। तो आइए तो बहुत सावधान होकर आइए। तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी मैं पहुँच चुका हूँ अमजद खान साहब के घर के पास में, जिन्हें बहुत भाई लोग गब्बर सिंह के नाम से भी जानते हैं। फिलहाल हम सभी के बीच में अमजद खान भाई नहीं हैं, लेकिन उनका घर अभी भी मुंबई में है, जो कि ये वाला घर, और उनके घर का नाम है कियारा। है अमजद खान साहब का घर, क्योंकि ये गेट है और यहाँ पे लिखा हुआ है कियारा, और यह है पूरी बिल्डिंग, जो कि इसी बिल्डिंग में अमजद खान भाई रहते थे। और यह है गेट, और यह गेट वहाँ पे भी है इस बिल्डिंग का, क्योंकि काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है, और इसी बिल्डिंग में रहते थे अमजद खान साहब। और ये वाला गेट है, जो कि पूरी बिल्डिंग नहीं दिख रही है, यहाँ पे थोड़े बहुत पेड़ लगे हुए हैं इसीलिए पूरी बिल्डिंग नहीं दिख रही है। अभी अंकल ने गेट खोला, जो कि कुछ कचरा लेकर गए अंदर। ये मैं पहुंच चुका हूं संजय दत्त साहब के घर के पास में, क्योंकि ये जो बिल्डिंग दिख रही है इसी बिल्डिंग में रहते हैं संजय दत्त साहब, जिन्हें बहुत भाई लोग प्यार से संजू बाबा भी कहते हैं। और ये गेट है इस बिल्डिंग का अंदर जाने को, क्योंकि इस बिल्डिंग का नाम है इम्पीरियल हाइट्स। है इम्पीरियल हाइट्स बिल्डिंग, जो कि इसी बिल्डिंग में रहते हैं संजय दत्त साहब, जो कि काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है। और नीचे काफ़ी सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं, और इस बिल्डिंग का गेट है इस साइड में, दिखा देता हूँ गेट। और इस बिल्डिंग में रहते हैं संजय दत्त साहब, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है। और ये है गेट अंदर जाने को, थोड़ा इस साइड से दिखा देता हूँ। ये पूरी बिल्डिंग है, ये किसी बिल्डिंग के अंदर रहते हैं संजय दत्त साहब। और ये गेट है, और इस बिल्डिंग का नाम है इम्पीरियल हाइट्स। ये भाई सामने है दिलीप कुमार साहब का घर, जो कि बहुत ही ढलान पे है, जो कि खाले देख सकते हैं नीचे साइड में। ये वाला घर है दिलीप कुमार साहब का, और इस साइड में नाम लिखा हुआ है सोली टायरी नाम से कुछ है इनका घर, और काफ़ी ढलान पे इनका घर है। और यह गेट है, ये क्योंकि ज़्यादा कुछ दिख तो रहा नहीं है, जो बहुत ही ढलान पे घर है इनका, ज़्यादा कुछ सफ़ा दिख नहीं रहा है, बस गेट ही गेट दिख रहा है भाई, और कुछ है नहीं। और अब मैं पहुंच चुका हूं रणबीर कपूर साहब के घर के पास में, जो ये मेरे पीछे बिल्डिंग दिख रही है, इस बिल्डिंग में रहते हैं रणबीर कपूर साहब, जो कि ऋषि कपूर साहब के बेटे हैं, और इस बिल्डिंग का नाम है वास्तु पाली हिल। और इस साइड में यहां पे कंगना रनौत जी का ऑफिस है, जो 3 महीने पहले तोड़ा गया था। तो मैं पहले रणबीर कपूर साहब का घर दिखाऊँगा, उसके बाद में कंगना रनौत जी का ऑफिस भी दिखा दूँगा। ये है रणबीर कपूर साहब का घर, जो कि इसी बिल्डिंग में रणबीर कपूर साहब रहते हैं, और इस बिल्डिंग का नाम है वास्तु पाली हिल, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और यह गेट है, और अंदर वो बिल्डिंग है, और कोई गाड़ी आ रही है भाई। तो ये है बिल्डिंग वास्तु पाली हिल, और यह गेट है, और ये इस बिल्डिंग में रहते हैं रणबीर कपूर साहब। और देखते हैं भाई गाड़ी में कौन है। गाड़ी तो भाई बहुत ही महंगी है, और इस साइड में ये वाला, इसमें कंगना रनौत जी का ऑफिस है। अब है कि नहीं है तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन पहले इसी में ऑफिस था, ये कंगना रनौत जी का ऑफिस पहले था, अब है कि नहीं है तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन
जो 3 महीने पहले इसी को तोड़ा गया था, जो कि देख सकते हैं ये सब नया बना हुआ है। हूँ महेंद्र कपूर साहब के घर के पास में, ये जो बिल्डिंग दिख रही है इसी बिल्डिंग में रहते थे महेंद्र साहब। और महेंद्र साहब माने जाने सिंगरों में से एक थे, और फिलहाल महेंद्र साहब हम सभी के बीच में नहीं है, लेकिन उनका घर अभी भी मुंबई में है। और घर का क्या नाम है वो तो भाई कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। ये है महेंद्र कपूर साहब का घर, जो कि इसी घर में महेंद्र कपूर साहब रहते थे। और ये गेट यहाँ पर है और एक गेट वहाँ पर है, और इस समय इस बिल्डिंग में कोई रहता भी नहीं है, जो कि अंदर देख सकते हैं सब ऐसे ही पड़ा हुआ है कूड़ा कबाड़ा। और इसी बिल्डिंग में रहते थे महेंद्र कपूर साहब, देख लीजिए पूरी बिल्डिंग को। और बिल्डिंग जो कि ऐसे सिंपल बिल्डिंग है,